सो गाइस, स्वागत आप सभी का एक और नई वीडियो में। आप लोग सोच रहे होंगे इतनी रात को ये वीडियो कैसे स्टार्ट हो गया, तो मैं बता दूं, जो ये मैच था हमारा पेंट के साथ, इसके साथ मैंने जो ब्लॉग बनाए थे, एक दो वीडियो जो वहाँ पर बनाए थे, वो वीडियो गलती से डिलीट हो गए, तो फिर से घर पे इनको शूट करना पड़ रहा है। तो मैं बता दूं कि जो ये मैच था हमारा, पहला मैच खेला हमने रोखड़ में और दूसरा मैच था हमारा मनसूना में। मनसूना में जो हमारा मैच था, ये क्वार्टर फाइनल मैच था और ये मैच होने वाला था हमारा सूर्योदय क्रिकेट क्लब पेंच की, जो कि अपने आप में ही एक अच्छी टीम थी। और साथ ही मैं बता दूं कि जो टॉस हुआ, टॉस जीता पेंच ने और टॉस जीतते ही पहले बैट फर्स्ट करने का डिसीजन लिया पेंच ने। इस बार अच्छी गेंद देखिए, बिल्कुल जितने भी दर्शक आए हैं मैं सभी का स्वागत करना चाहूंगा। इस बार फिर से मोहित चले हल्के कदमों से अंपायर को पार के, मिस्टर मोहित चले एक बार फिर से अच्छा गेंद मारने का कवर के क्षेत्र में। तो टॉस जीतने के बाद देखते हैं पेंच कितने रनों का टारगेट एमसीसी उखीमठ को दे पाती है, या उखीमठ एमसीसी उखीमठ की जो बॉलिंग लाइनअप है वो कितने रनों पे सूर्योदय क्रिकेट क्लब पेंच को ढेर कर पाती है। तो मिलते हैं आपको पहली इनिंग के बाद कि पेंच ने कितना स्कोर बनाया और कितने का टारगेट एमसीसी उखीमठ को 12 ओवरों में दिया है। मिस्टर मोहित चले हल्के कदमों से अंपायर को पार के, एक बार फिर से मिस्टर मोहित चले हल्के कदमों से अंपायर को पार के, गेंदबाजी करेंगे मिस्टर दीपक कसाल के लिए। इस बार अच्छा गेंद, अच्छा क्लिक कर रहे हैं पेंच की, तो एक बार फिर से मिस्टर अजय की खेल रहे हैं और एक इस बार अच्छा गेंद गेंदबाजी करेंगे मिस्टर विराट के लिए। इस बार देखिए बिल्कुल सटीक लाइन और लेंथ की गेंदबाजी, जिस तरीके से खेलते हैं मिस्टर मोहित एक हल्के हल्के कदमों से अंपायर को पार किया मिस्टर मोहित ने, ये देखिए बेहतरीन गेंद, एक अच्छी गेंदबाजी के लिए जानी जाती है। इस बार अच्छा शॉट जरूर खेला मौजूद के लिए, एक बार फिर से मिस्टर मोहित के लिए अंपायर को पार किया। इस बार अच्छा कनेक्ट कर दिया गेंद को मिस्टर विराट, अगर लगभग 150 रन यहाँ से बनाने होंगे। इस बार अच्छी गेंद, बिल्कुल अच्छी गेंद, बाकी से गेंदों को पिच करवा रहे हैं मिस्टर मोहित एक बार फिर से। इस बार ऑफिस ओवर रेस्टर मिस्टर विराट के लिए पार्क पार्क, इस बार अच्छी गेंद बेहतरीन बैंक के लिए मिस्टर अजय की गेंद, देखिए बेहतरीन गेंदबाजी कह सकते हैं एक बार फिर से। इस बार पटकी हुई गेंद अंदर, शर्मा एक बेहतरीन टीम कैप्टन है, बेहतरीन इंसान है, जिस तरीके से इस बार अच्छा गेंद थे विराट के लिए, विराट को यहाँ से अच्छा खेलना होगा, एक पार्टनरशिप जरूर बनानी होगी। इस बार आगे जाके मारने का प्रयास, जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, इस बार अच्छा गेंद, इस बार मिस्टर दीपक पटवाल को हालांकि रन हल्के फुल्के बन रहे हैं। इस बार हल्के कदमों से अंपायर को पार किया, इस बार देखिए बेहतरीन गेंद, बेहतरीन गेंदबाजी तैयार है मिस्टर से हल्के कदमों से अंपायर को पार किया, इस बार प्रयास किया था, टीम का स्कोर है 20 रन। इस बार देखिए अच्छा शॉट, शॉट कवर के क्षेत्र में फील्डर जरूर एनसीसी स्पोर्ट्स क्लब उखीमठ, इस बार बेस्ट बॉलर के क्लब। इस पहल को पूरा करते हुए इस बार अच्छी गेंद ऑफिसर मिस्टर गणेश वर्मा, तो एक बार फिर से इस बार अच्छा गेंद, गेंद को खेल दिया है फाइनल, देखना होगा क्या किस तरीके की बल्लेबाजी देखी जाएगी, लेकिन इस बार अच्छा गेंद, बिल्कुल अच्छा गेंद, वहां पे आगे खतरा हो सकता है। इस बार अच्छी गेंद, बिल्कुल मर्तबा मिस्टर विराट को यहां से अब अच्छा खेलना होगा। विराट का क्या बेहतरीन बल्लेबाजी, हल्के कदमों से अंपायर को पार किया, इस बार अच्छी गेंद प्रीतम चले अंपायर को पार किया, इस बार लॉट करना था गेंदबाजी की, एक बार फिर हल्के कदमों से अंपायर को पार किया, इस बार लॉट मिस्टर मिस्टर प्रीतम एक बार फिर से, इस बार तारीफ करनी होगी किस तरीके से गेंदों को कनेक्ट कर रहे हैं बल्ले से, इस बार भी लॉट करना चाह रहे थे अपनी बल्लेबाजी से मिस्टर प्रीतम चले, इस बार भाग 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 भाग
लेकिन जहां तक पहुंचना है तो बड़े हाथ यहाँ पर खेलना जरूर पड़ेगा। एक अच्छा अभिषेक के लिए बिना किसी रन के बिना फिर से अभिषेक चले चालीस अच्छी बैटिंग यहाँ से जरूर करनी पड़ेगी। फिर से प्रीतम चले राइट ऑफ ओवर द विकेट, अच्छी कैच मतलब उत्तर होगी तो उतना ज्यादा विकेट जरूर लेगी। फिर से प्रीतम चले राइट ऑफ ओवर द विकेट से बड़ी गेंद से खेलने का प्रयास जरूर था और यहाँ पे ओपनिंग जरूर करने आए थे। फिर से बॉलर चले राइट ऑफ ओवर द विकेट खेलने का प्रयास जरूर था और चले राइट ऑफ ओवर द विकेट काली स्लाइड से अच्छी कैच के खिलाफ। फिर से अनुज चले राइट ऑफ ओवर द विकेट से मौजूद है संतुष्ट करना पड़ेगा और सत्तर रन पांच विकेट के नुकसान पे अब यहाँ पे पहली मरतबा क्रीज को कैप्चर कर पाता है और अगले ओवर में ये भी देखना बड़ा दिलचस्प है। पहली मरतबा यहाँ पे अभिषेक मिस्टर विवेक के लिए काली सिरा से चढ़ना प्रारंभ किया ओवर द विकेट से अंपायर को मार गया बटकी भी कैच काली सिरा से चढ़ना प्रारंभ किया मैं के लिए गए भाई 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 तेज कर सचिन का बॉल अमूद और निष्ठ आएगा वेग 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 और सचिन अमूद और निष्ठ आए अमूद और चले राइट टाइम ओवर द विकेट से यहाँ से अंपायर का पार चाहिए गेंद की हल्का सा बाउंस यहाँ पे हेलमेट पे जाके लगी गेंद एक अनियंत्रित उछाल यहाँ पे अभिषेक की गेंद वाली यहाँ पे देखी जाए तो समय बिल्कुल नीचे गेंद रह रही है अनियंत्रित उछाल यहाँ पे बिल्कुल सही फैसला बल्लेबाज का हेलमेट यहाँ पे उनका यहाँ पे मौजूद तो हेलमेट ना होता तो अधिकांश खिलाड़ी यहाँ पे बिना हेलमेट के जरूर खेल रहे लेकिन गेंदबाजी जानते हैं कि अभिषेक की गेंदबाजी में थोड़ा उछाल है तो अभिषेक के लिए फिर से राइट आंखे बढ़ते विकेट से मतलब अच्छी गेंद से मतलब उसी टप्पे पर यहाँ पर एक थी गेंद और इस बात को एक रन बचाने का लेकिन एक रन बचा नहीं पाई एक रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 78 रन सॉरी 72 रन सॉरी 72 रन विकेट के नुकसान से यहाँ पे बिना बोला अभिषेक फिर से तैयार राइट आंखे बढ़ते विकेट यहाँ पे अंपायर को मार गया सुरक्षा जरूरी जिंदगी छह से बहुत यार मैं जजमेंट ठीक रहो दो रन के साथ यहाँ पे अभी 2 रन के साथ फिर से अब देखते हैं
हेलमेट लगे थे क्योंकि एमसीसी सामने एमसीसी जैसे टीम है तो स्कोर कम से कम 90 तो यहां से क्रॉस करना चाहिए। फिर से बॉलर चल राइट ओवर की तरफ ठीक है बाद बाद डबल 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 सचिन दो कर मार दिया डबल क्या दो कर दो कर जी हां दूसरा जो आपने भी यहां से ले लिया और माइक का सारा में पैर जाता बाद और तीन तक यहां पे टोटल एक्स्ट्रा के मिलते हुए अभी तो काफी टीम का गैप जा पहुंचा है छापा हुआ जाना बिल्कुल क्रॉस हुए जाना कन्फर्म जीते हैं मार्क किया शाबाश सचिन शाबाश दो चाहे दो सिक्स बस तीन बॉल नहीं है बोरिंग को ना दो गेंदे यहाँ पे फेंक देंगे फिर से मनोज चाह राइट ओवर भागले भागले यार चारण 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 नारे तुम नहीं खेले आप खेल तुम कैसे लाइनमैन चारण भाई लाइनमैन चारण दिल यार टकरी था वापस है गिरे टकरी था वाप अगर दीवार लगे अब चारण दिली बुन यार चौका जरूर मिलना चाहिए अरे लाइनमैन यार लाइनमैन 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 चारण वे गया चार चार चारन चारन बढ़िया बढ़िया चारन ठीक वेगिन मार्क्स हम आप बाउंड्री लाइन पे टच हुई है वे रे हाफ के अगेंस्ट कैच रन में भाई जी सचिन छक्का चाहिए शाबाश अंतिम गेंद से ओवर की निर्धारित 12 ओवरों के इस खेल में सूर्योदय क्रिकेट क्लब पेंच ने 87 रन बनाए और 88 का टारगेट दिया है एमसीसी उखीमठ को 12 ओवरों में। काफी अच्छी बॉलिंग एमसीसी उखीमठ के द्वारा की गई और साथ ही विराट के द्वारा काफी अच्छे शॉट सिलेक्शन देखे गए। तो देखते हैं एमसीसी उखीमठ कितने ओवरों में ये टारगेट चेज कर पाती है या फिर कुछ और नतीजा इस मैच का होता है। तो चलिए मिलते हैं आपको सेकंड इनिंग के बाद। गेंदबाजी करेंगे मिस्टर सुशांत एक बेहतरीन बल्लेबाज एक बार फिर से मिस्टर सुशांत के लिए बेहतरीन गेंद अंदर आता हुआ पहली गेंद ठिकाने पे मिस्टर हरीश सूर्योदय क्लब पेंच को एक बार फिर से पटकी ले मासिदा वाह यार लड़के हरीश एक बेहतरीन गेंदबाज बेहतरीन इनिंग खेली यहाँ से मात्र 88 रन बनाने हैं लेकिन खासा अच्छी गेंद चलता हुआ इस ठंड के मौसम में इस बार अच्छी गेंद बिल्कुल अच्छी गेंद मिस्टर हरीश चले हल्के कदमों से अंपायर को पार किया इस बार बेहतरीन गेंद खेलना चाहे थे वहां पे रन आउट का खतरा हो सकता लेकिन बेहतरीन रनिंग मिस्टर सुशांत के लिए इस बार अच्छी गेंद बिल्कुल अच्छी रनिंग है इस बार अच्छा गेंद बैट पे जा सकता है और आज जबरदस्त बल्लेबाज इस बार अच्छी गए नीचे रह गए दूसरा रन तो ले लिया लेकिन बेहतरीन और बेहतरीन करते हैं जो अच्छा स्टार देते हैं हरीश चले हल्के कदमों से अंपायर को पार किया इस बार अच्छा गेंद वापस वेल फील्डिंग शाबाश और प्रदर्शन मिस्टर हरीश राउंड करना चाहे बल्लेबाजों को
मिस्टर दिगंबर की बात करें, हल्के बनाए इस बार, अच्छा गेम, बिल्कुल अच्छा गेम, फीड हुए बल्लेबाज मिस्टर दिगंबर, मिस्टर मोहित जैसा मुन भागने ये नेता और वहाँ पे खतरा हो सकता है और बिल्कुल खेला है मिस्टर सचिन, चले पार को पार के इस बार देखिए प्रभावित किया मिस्टर विवेक ने, इस बार हल्के कदमों से पार को पार के इस बार अच्छी गए बार वाइड का इशारा होगा अंपायर का, सचिन चले अंपायर को पार किया इस बार अच्छी गेंदबाज अपनी टीम के लिए एक बार फिर से इस बार डिफेंस की बात से हल्के कदमों से पार को पार किया इस बार अच्छी गए बिल्कुल अच्छी गेंद अच्छी गेंद बैक टू बॉलर जरूर खेला है वहाँ पे मिस्टर गणेश वर्मा अपने बिल्कुल एक बार अच्छी गेंद जरूर डाला था मिस्टर हरीश ने, इस बार अच्छी गेंद जरूर लिया है हल्के कदमों से अंपायर को पार किया इस बार पक्की नहीं भाग भाते है भाग तू भाई आ रहा भाग 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 चार निगे निगे भाग 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 इस तरीके से तीन ओवर किसी से नहीं करवाए टीम कैप्टन से भाग भाते है भाग 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 स्टेट बाउंड्री के क्षेत्र में जब तक एक फील्ड होता आसानी से दो रन पूरे कर दिए हैं बैटिंग बल्लेबाजी की तरह गणेश वर्मा की इस तकलीफ मार जवाब प्रकार बैटिंग बेटा मात को मत जोड़े मार दी बोल प्राप्त करना चाह रहे हल्के कदमों से अंपायर को पार किया उसकी ये गेंद अच्छी गेंद इस बार लेग स्टंप से खासा बाहर वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का वाइड के साथ एक का स्कोर पहुंचा पांच रन से अंपायर गणेश वर्मा के लिए अच्छी गेंद इस बार लैप कर दिया है कमी डाउन के एरिया में फील्डर उसके नीचे दूर और आसानी से और डबल करे डबल कर डबल कर क्या करना यार ले लिया है यहाँ पे क्या करना मोहित डबल कर सीधा पड़ सकती है एमसीसी स्पोर्ट्स क्लब की टीम को हालांकि अभी भी सर मोहित और एक कप्पे टीम का स्कोर है चार रन जमा हुआ 30 गेंदों में 48 रन की दरकरार 30 गेंदों में 48 रन मिस्टर मोहित सामने हैं मिस्टर सचिन एक बैटिंग गेंदबाज 30 गेंदों में 48 रन एक बार फिर से पार को पार के इस बार अच्छी गेंद बिल्कुल बेहतरीन गेंद इस बार अच्छी गेंदबाजी मिस्टर मिस्टर सचिन के द्वारा इस बार कनेक्ट किया है बल्ले पे छह रन के लिए मिस्टर मोहित की ये क्लास है इन मुश्किल चढ़ा मार दिए कि मार शॉट खेला है एक बार फिर से मिस्टर मोहित पुरानी बॉल थे यार लेकिन कोई बल्लेबाजी एक बार फिर से मोहित चले इस बार भी अच्छी बैटिंग जरूर एक रन आसानी से पूरा कर दिया और टीम का स्कोर पहुंचा 47 रन जबकि 40 समझ लो बराबर देख कल समझ लो 8 ओवर यहाँ से समाप्त 24 में 40 कुछ नहीं यार मार्क्स कुछ नहीं सची यार रह जाएगा 40 यार 20 नहीं और मारो 20 नहीं और मारो मिस्टर
अबे डबल कट डबल कट डबल डबल कट डबल जल्दी भाग जल्दी भाग जल्दी भाग ये बेटा तो कपाह हो जाएगी ना कॉलेज कॉलेज कमस्तो मार्क्स भी बोल प्रीतम तो इतना प्रीतम चक्कर में लेकिन लिफ्टी जो होती है ना लिफ्टी में गाली निकलो मुड़ी चली दिल्ली पहुंची वो तो इधर पढ़ूंगा चीजों पर दूरी चाको गेम खेला रहा है लक्ष्मण और क्या वहाँ पे रन लेने का मौका नहीं। एमसीसी स्पोर्ट्स क्लब की टीम क्या बेहतरीन कमबैक किया है, क्या बेहतरीन प्रदर्शन किया है। मिस्टर लक्ष्मण पटवाल चले अंपायर को पार के एक बार खेल दिया है कवर के क्षेत्र में आसानी से एक रन पूरा कर दिया है साथ। तो मिस्टर प्रदीप और वहाँ पे गेंद अबे यार डबल कर डबल कर डबल कर रहे दूसरा रन लेना चाहेंगे दूसरा रन बहुत टाइम लोग शाबाश 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 बैटमैन स्टॉक क्वार्टर फाइनल चार मुकाबला खेल रहे हैं। निश्चित तौर पे एक प्रेशर जरूर रहेगा भागो चरण जवा फील्डर बनू छका फील्डर छका बनू यार मिस्टर लक्ष्मण चले हल्के कदमों से अंपायर को बाग बाग डबल कर डबल डबल कर बस बस शाबाश 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 यार प्रीतम 18-28 प्रीतम मुझे नहीं स्ट्राइक ठीक है। अब यहां से 18 गेंदें अच्छा गेंद बिना करूं यार मां 10 रन तो जाओ सिन बल्लेबाजी होती है आज ना उद्घाटन में ना बड़ा दिन भी दिन में बेटा बढ़िया रनिंग शाबाश 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 स्पोर्ट्स क्लब की टीम लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी मिस्टर मिस्टर बिक्की की बेहतरीन विवेक की बेहतरीन बेहतरीन गेंदबाजी होती हुई इस मरतबा मिस्टर मोहित और मिस्टर तो एक बार फिर से मिस्टर डबल कर डबल कर डबल कर कल यूट पड़ेगा शाबाश शाबाश यार शाबाश बहुत बढ़िया लड़के शाबाश आना शाबाश 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 यार अबे यार भाग 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 डबल कर डबल डबल कर डबल कर डबल कर जल्दी शाबाश शाबाश यार 18 उठौना चक्र मना रहे बस अरे बस बस बढ़िया मजा ही रहेगा
डबल कर ये बेटा अबे यार नहीं 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 ए भाई यार ए भाई यार अरे भैया नहीं है यार सूर्योदय क्रिकेट क्लब पेंज ने जो 88 रनों का टारगेट दिया था 12 ओवरों में, काफ़ी इंटरेस्टिंग ये मैच रहा और काफ़ी कॉन्ट्रास्टिंग मैच रहा और बाद में जो जीत मिली वो मिली सूर्योदय क्रिकेट क्लब पेंज को। सूर्योदय क्रिकेट क्लब पेंज ने एमसीसी को हराते ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर दी है और फाइनल के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। साथ ही सूर्योदय क्रिकेट क्लब पेंज ने एमसीसी उखीमठ को 10 रनों से मात दी है। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे आपको कल एक और नए वीडियो में।